हे एवरीबॉडी, आज अपन देखने वाले हैं कैसे आप अपने एंड्रॉयड की फेवरेट एप्लीकेशंस और गेम्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज, हॉटस्टार और लूडो किंग को अपने वीआर हेडसेट क्वेस्ट के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हार्डवेयर के अंदर आपको तीन चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहला चाहिए आपको कोई लैपटॉप या पीसी, कोई सा भी नॉर्मल सा पीसी या लैपटॉप चलेगा, कोई हाईफाई गेमिंग लैपटॉप या पीसी नहीं चाहिए। टाइप सी यूएसबी केबल और वीआर हेडसेट क्वेस्ट 2, क्वेस्ट 3, क्वेस्ट प्रो जो भी आपके पास है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको चाहिए है एक एप्लीकेशन जो कि आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है साइड क्वेस्ट। और जो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उनकी एपीके फाइल्स और मोबाइल के अंदर आपकी ऑक्यूलस ऐप। अब इसके अंदर जो भी वेबसाइट्स मैं यूज़ करूँगा उन सभी के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब एपीके फाइल्स जो है उनको डाउनलोड करने के लिए आप कुछ, मैं आपको जो वेबसाइट्स बता रहा हूँ वहाँ से आप किसी में भी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली है मिरर एपीके, दूसरी है एपीके प्योर और एप्टॉइड। ये तीन वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप एपीके फाइल्स जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने वीआर हेडसेट के अंदर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है साइड क्वेस्ट की वेबसाइट। सबसे पहले अपन साइड क्वेस्ट जो है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे। साइड क्वेस्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद गेट साइड क्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपन एडवांस इंस्टॉलर जो है उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलर को नहीं, एडवांस इंस्टॉलर में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके काम में आएंगे, बट अभी अपन इसके अंदर एपीके इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। तो यहां एडवांस इंस्टॉलर पे अपन जाकर इसको डाउनलोड करेंगे फॉर विंडोज। साइड क्वेस्ट डाउनलोड हो जाने के बाद अपन उसको इंस्टॉल करेंगे पीसी के अंदर। अब ये जो एप्लीकेशन है इसका जो सेटअप इंस्टॉलेशन है उसके अंदर आप चाहें तो केवल ओनली मी जो मेन यूज़र है पीसी का उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जितने भी यूज़र इस पीसी पर हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज़र है, मैं हूँ, तो मैं ओनली मी कर रहा हूँ। और उसके बाद जो भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन होगी वहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अभी मैं इसको इंस्टॉल पर क्लिक नहीं करूँगा। साइड क्वेस्ट को इंस्टॉल करने के बाद इसको अपन को ओपन करना है। कुछ इस तरह से साइड क्वेस्ट जो है एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे साइड में आपको नॉट डिटेक्टेड का ये जो रेड कलर का साइन दिखेगा, इसका मतलब अभी आपका जो हेडसेट है वो अभी आपके पीसी से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ है। साइड क्वेस्ट को इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके हेडसेट की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद डेवलपर और यहाँ पे ये जो सेटिंग है जो अभी टर्न ऑफ है इसको ऑन करना है। ये करने के बाद हेडसेट में डेवलपर सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको आपके मोबाइल की ऑक्यूलस ऐप के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है क्वेस्ट 3 या क्वेस्ट 2 जो भी है आपका। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको हेडसेट सेटिंग के अंदर। हेडसेट सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको दिखेगा डेवलपर मोड, डेवलपर मोड को ऑन कर देना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऑन है, ये डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन करना है। अब आपको आपके हेडसेट को आपके पीसी से कनेक्ट करना है टाइप सी केबल का यूज़ करके। मैं अपने हेडसेट को टाइप सी केबल्स का यूज़ करके अपने पीसी से कनेक्ट करता हूँ। लेट्स सी, जैसे ही आप अपने हेडसेट को टाइप सी यूएसबी केबल का यूज़ करके अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा और आपका जो भी हेडसेट है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, क्वेस्ट 3, क्वेस्ट 2 या क्वेस्ट प्रो जो भी है। उसके बाद जो भी आपने एंड्रॉयड एपीके फाइल्स को डाउनलोड किया है उनको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा इस आइकन पर जहां पर आपको लिखा आ रहा है इंस्टॉल एपीके फाइल फ्रॉम फोल्डर ऑन कंप्यूटर, यहां पे क्लिक करना है। यहां पे आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां पे आपने उन एपीके फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। मैंने ये एपीके फाइल्स जो है डाउनलोड की थी, इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन। अब यहाँ पे इस साइड पे तीन नंबर दिख रहा है रेड कलर का आइकन, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये तीन टास्क यहाँ पे ओपन हो रखे हैं और ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है आपकी जो एपीके फाइल्स है उनको। जैसे ये फाइल्स सारी इंस्टॉल हो जाएंगी ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब ये एप्लीकेशन जो है ये आपके हेडसेट के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इन एप्लीकेशंस को अपने हेडसेट के अंदर जाकर के चेक करेंगे। APK फाइल्स को जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हेडसेट में जाएंगे तो वो आपको यहाँ शो नहीं होंगी। उन्हें देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा ऑल पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अननोन सोर्स आएंगे। अननोन सोर्स इसलिए क्योंकि ये जो मेटा स्टोर है उससे नहीं डाउनलोड करी हुई है, इसलिए यहाँ पे आएंगी। और यहाँ आने के बाद जितनी भी फाइल्स आपने इंस्टॉल करी है वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। सो अपन एक एक को देखेंगे। सबसे पहले नेटफ्लिक्स को देखते हैं और यहाँ पे आपको उसे लॉगिन करना है, जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो परफेक्टली चलेंगे और जब आप इनको बड़ा करना, जैसे अभी ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर दिख रहा है तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है और ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप अपने जो पॉइंटर्स उनको इनके कॉर्नर पर लेके जाएंगे तो कुछ ऐसे आपको एज दिखेंगे, इनको ग्रिप करके होल्ड करके आप जैसे ही मूव करेंगे
जितना साइज़ आप इसका बढ़ाना चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से ये स्क्रीन जो होगी इसकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप जो भी मूवी देखना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, वो सब आप देख सकते हैं इसके अंदर, आप बैठे बैठे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मूव करते हुए कोई भी मूवीज़ देखें या कुछ भी, तो उसके लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं और ऐसे कहीं पर भी जा सकते हैं। सेम ऐसे प्राइम वीडियोज़ के साथ भी आप कर सकते हैं, प्राइम वीडियोज़ में लॉग इन करके। सेम ऐसे ही आप हॉटस्टार को यूज़ कर सकते हैं। मुझसे एक लड़के ने पूछा था कि जो YouTube है वो कैसा चलता है VR हेडसेट के अंदर। तो VR हेडसेट के अंदर अपन जब YouTube मेटा वाली जो स्टोर है उससे यूज़ करते हैं, तब कुछ इस तरीके का दिखता है। और इस वाले ऐप के अंदर, मेटा और मेटा स्टोर वाले ऐप के अंदर, आप 360 डिग्री वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं उनको कुछ म्यूट करके चलाऊंगा। यहाँ पे ये जो जितने भी वीडियोस हैं 360 डिग्री वीडियोस हैं, ये जो 360 डिग्री वीडियो मैं अभी देख रहा हूँ, ये YouTube की जो मेटा स्टोर वाली ऐप है उसके अंदर देख रहा हूँ। सिर्फ उसी के अंदर आप 360 डिग्री वीडियोस जो YouTube पे अवेलेबल है उनको देख सकते हैं, और ऐसे मूवी कर सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं आप। ये अभी शेर घूम रहे हैं, इसको मैंने अभी रिव्यूट किया हुआ है, कहीं कोई कॉपीराइट नहीं आता इसलिए। साथ ही साथ ओनली ये जो ऐप्स हैं इनके अलावा आप जो आपके मोबाइल गेम्स, जो फेवरेट मोबाइल गेम्स हैं, उनको भी आप अपने वीआर के अंदर खेल सकते हैं फ्लैट स्क्रीन की तरह। जैसे कि ये लूडो किंग है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर, इसको अपन प्ले करते हैं। और कुछ इस तरीके से आप जो आपके फेवरेट गेम्स हैं उनको भी खेल सकते हैं। और ये अपना है, यहाँ पर मैं गेम खेल रहा हूँ। इस तरीके से जितनी भी आपकी जो APK फाइल्स हैं, जो भी मोबाइल की फेवरेट ऐप्स या गेम्स हैं, वो यहाँ पे इंस्टॉल करके आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। ओके गाइस, तो साइड क्वेस्ट का यूज़ करके इस तरीके से आप अपनी जो भी APK फाइल्स हैं, जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या छोटे मोटे गेम्स हैं, उनको आप अपने VR हेडसेट में इंस्टॉल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। Bye-bye.